हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल ज्ञान पर। मैं लेके आ गया हूँ टेक न्यूज़। वीडियो शुरू करने से पहले सभी को बता दूँ, जो हमारे चैनल में पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहले अपडेट की ओर देखते हैं। पोको एक्स 3 22 सितंबर को भारत में लॉन्च होगा। पिक्चर्स का कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। पिक्चर्स के बारे में बताऊँ तो मैं आपको स्नैपड्रैगन 732 दे रखा है। इसके अंदर बैक पैनल में क्वाड रियल कैमरा सेटअप दिया गया है। पंच होल डिस्प्ले दिया गया, इसके अंदर 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया। 120 रिफ्रेश रेट दिया गया डिस्प्ले के अंदर। ये तीन वेरिएंट में अवेलेबल है 6GB 64GB की स्टोरेज के साथ। प्राइस है 18,999, 6GB 128 स्टोरेज के साथ 19,999, 8GB 128 स्टोरेज के साथ 23,400 के साथ। वहीं कैमरे की बात करें, इसके अंदर 64 MP प्राइमरी सेटअप कैमरा दे रखा है। सबसे प्लस पॉइंट ये है इसके अंदर, पोको एक्स 3 के अंदर स्मार्ट स्मूथ AI फीचर के साथ लॉन्च होगा। एक नया फीचर दिया गया इसके अंदर, ऐड किया कंपनी ने। सेकंड अपडेट की ओर देखते हैं। सैमसंग ने नया स्मार्टफोन, बजट सेगमेंट का नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, सैमसंग गैलेक्सी A02। कंपनी का दावा है कि यह सैमसंग गैलेक्सी A01 का अपग्रेड वर्जन है। कंपनी ने इसे दावा किया कि गैलेक्सी A1 का अपग्रेड वर्जन है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 10 2GB रैम के साथ अवेलेबल होगा। कंपनी ने अदर फीचर्स का कुछ अनाउंस नहीं किया है। कैमरा क्या प्राइस है अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया, बस जल्दी कंपनी से लॉन्च करने की तैयारी कर रही है इस डिवाइस को। थर्ड अपडेट की ओर बढ़े, शाओमी ने अपने MI 5 बैंड को लॉन्च कर दिया है। फीचर्स भी अनाउंस कर दिए, कीमत वगैरह सब अनाउंस कर दिए। बात करते हैं फीचर्स वगैरह की। शाओमी की तरफ से 29 सितंबर को इवेंट किया जा रहा है, जिसमें MI 5 बैंड और अन्य कई फीचर्स, अन्य कई प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। MI बैंड 5 में 1.1 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ये आपको ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर में अवेलेबल है। ये वॉचेस सिंगल चार्ज के साथ 40 डेज तक इसकी बैटरी लाइफ दे रही है इसके अंदर। और अदर फीचर्स की बात करूँ, फिटनेस ट्रैकर, हार्ट रेट सेंसर, एक हेल्थ मोड दे रखा है। MI बैंड में रिमोट कंट्रोल कैमरा फीचर भी दिया जाएगा, नया एड ऑन किया गया इसके अंदर, जो बेल्ट के इन माइक्रोफोन के साथ आएगा। 11 स्पोर्ट्स मोड दिए गए, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, पूल स्विमिंग, योगा, अन्य बहुत सारे फीचर्स दिए गए। बात करें प्राइस की, मेन मुद्दे की बात करें, जो नॉन NFV वेरिएंट में अवेलेबल है उसकी प्राइस है 2,000 रुपये, और जो NF वेरिएंट में अवेलेबल है उसकी प्राइस है 2,500 रुपये। फोर्थ अपडेट की ओर बढ़ते हैं। एप्पल ने कल अपने इवेंट में एप्पल सीरीज 6, एप्पल सीरीज SE और एप्पल iPad 4 जनरेशन 8 जनरेशन लॉन्च कर दिया कल इवेंट के दौरान। बात करते हैं एप्पल वॉच सीरीज 6 के बारे में, जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसके अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये है, इसके अंदर ब्लड ऑक्सीजन मात्रा का पता चल सकता है। ये एक नया फीचर इसके अंदर लॉन्च किया है कि आज के कोरोना टाइम के अंदर आप अपना ब्लड ऑक्सीजन तक की मात्रा चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ब्लड ऑक्सीजन फीचर में 15 सेकंड के अंदर खून में ऑक्सीजन की मात्रा पता लगा सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। इसके अंदर हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग। और बात करें प्राइस के अंदर, एप्पल वॉच सीरीज 6 की प्राइस की बात करें वाईफाई के वेरिएंट के अंदर 29,400 रुपये, वहीं GPS सेलुलर के अंदर 36,000 रुपये इसकी प्राइस है। इसके अंदर एक फीचर्स की बात करें, ऑलवे ऑन डिस्प्ले के साथ से लॉन्च किया गया है। वॉच में कई सारे फेम दिए गए हैं, इसके अंदर आपको MOZ वगैरह बहुत सारे अदर फीचर्स मिलेंगे। और एक और फीचर एड ऑन किया गया, फैमिली फीचर। इसके अंदर एप्पल सीरीज के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप जोड़ सकते हैं बच्चों के साथ। और 10 स्पोर्ट्स मोड दिए गए इसके अंदर। और लेटेस्ट वॉच, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, इसके अंदर OS 7 इसके अंदर दिया गया, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, ये एक प्लस पॉइंट बात है इसके अंदर। बात करें एप्पल iPad की बात करें, इसके अंदर एप्पल iPad 4 जनरेशन लॉन्च कर दिया है, साथ में एप्पल लैपटॉप 8 जनरेशन को भी लॉन्च कर दिया है। बात करें एप्पल iPad 4 के बारे में बात करें, इसके अंदर अक्टूबर में से आपको अवेलेबल कराया जाएगा मार्केट में। टैब में रियल पैनल पर 12 MP कैमरा दिया गया, साथ में ही फ्रंट 7 MP कैमरा दिया गया। प्राइस की बात करें, इसके अंदर 54,900 प्राइस दी गई वाईफाई वेरिएंट की, और 66,66,900 वाईफाई सेलुलर की प्राइस अनाउंस किया गया। ये आपको गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, सिल्वर, स्पेस ग्रे में अवेलेबल होगा। 64 GB रैम, 256 GB स्टोरेज के साथ। सेवन्थ अपडेट की ओर बढ़ते हैं। वीवो V15 कंपनी ने अनाउंस कर दिया नया स्मार्टफोन। इसके साथ में आपको 40 MP क्वाड रियल सेटअप दिया जाएगा,
4 GB 128 GB स्टोरेज के साथ। प्राइस की बात करें, करीब 16,300 रुपये इसकी प्राइस दी गई है। 4,500 mAh की बैटरी के साथ। फ्रंट कैमरे की बात करें, 16 MP फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है। स्नैपड्रैगन की बात करें, 666 प्रोसेसर का दिया गया है। स्नैपड्रैगन पुराना दिया गया बट कुछ ही नहीं है, इस बजट के हिसाब से ठीक है। और 18 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जिंग दिया गया है। कलर की बात करें, ब्लैक, ब्लू और वाइट कलर में अवेलेबल होगी ये। डिस्प्ले की बात करें, इसके अंदर 6.38 का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ये इसके अंदर प्लस पॉइंट है, एंड्रॉयड 10 प्लस फ्रंट डिस्प्ले पर चलता है ये फ़ोन। एप्पल ने आईपैड के साथ, एप्पल सीरीज के साथ एक और नया वॉच लॉन्च करी, एप्पल वॉच SE। फोर्डेबल प्राइस में बात करूँ, ये कंपनी ने दावा है ये एप्पल वॉच 3 का अपग्रेड वर्जन है। इसके अंदर प्राइस की मैं बात करूँ, आप GPS ओनली में 29,900 की प्राइस है और GPS सेलुलर के अंदर ये 33,900 की प्राइस है। इसके अंदर दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया, 40 mm के अंदर 1.57 डिस्प्ले के साथ और एक 44 mm के साथ 1.7 डिस्प्ले के साथ इसे लॉन्च किया गया। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इसी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।